आजमगढ़ में श्रेया तिवारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा की जा रही है। एक तरफ सभी इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था प्रिंसिपल ऑफिस में कि बाहर आने के कुछ देर बाद ये घटना घट गई। दूसरी ओर प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे सूबे के प्राइवेट स्कूल वालों ने 8 अगस्त को अपना विरोध दर्ज किया। वहीं अब जिला प्रशासन के आदेश के बाद 4 सदस्य जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्पसंख्यक अधिकारी और एक SDM और एक अभियंता के नेतृत्व में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर मान्यता और दुर्घटना के संबंध में जानकारी लेने श्रेया के स्कूल यानी चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज पहुंची। आपको बता दें कि आजमगढ़ सिधारी थाना अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 11th की स्टूडेंट श्रेया की मौत के बाद जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। जांच करने आई टीम से जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया, जिला प्रशासन व अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पे हम लोग ये देखने गए थे कि विद्यालय में सुरक्षा के मानक जो होने चाहिए हमारे विभागीय नियमों के तहत वो है कि नहीं। उसमें दो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था तो उसके लिए अभियंता भी साथ में थे, और एक था कि बच्चे के साथ जो बर्ताव हुआ वो हमारे नियमों के अनुसार था कि नहीं। तभी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही बताया सकता है कि क्या सदस्य टीम गठित की गई। इस पूरी 4 सदस्य टीम है। एक मसला ये भी आया था कि सिर्फ 8 तक जो मान्यता है जी, तो कैसे इंटर तक चल रहा है। वो हम लोगों ने कागज मांगे हैं और प्रबंधन ने अभी समय लिया है शाम तक कागज देने के लिए, कल तक हम निष्कर्ष पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर, गठित टीम में कौन कौन से लोग शामिल थे? एक मजिस्ट्रेट है और एक अभियंता है, एक महिला अधिकारी थी साथ में। सर, अध्यापन में मनोचिकित्सक की, आपको बता दें कि स्कूल में 31 जुलाई को चेकिंग के दौरान 11वीं की स्टूडेंट श्रेया के बैग से एक मोबाइल मिला था। स्कूल में मोबाइल लाने की वजह से श्रेया को काफी डांट फटकार लगाई है। कुछ दिन बाद श्रेया को प्रिंसिपल के सामने पेश किया जाना था। प्रिंसिपल से मिलने के बाद उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा करके उसके माता पिता को बुलाने को कहा गया, लेकिन माता पिता को स्कूल परिसर पहुंचने में कुछ देरी हुई और इसके बाद ये घटना घट गई। अब देखना होगा कि जांच टीम की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।